दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और मैं आज आप सभी के लिए दो चार अपडेट्स नहीं बहुत सारे अपडेट्स लेके आ चुका हूँ और सारे के सारे अपडेट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। फायरसाइड फोरम की तरफ से अपडेट आ चुका है, वेब थ्री ब्लॉकचेन को लेकर डिटेल में आप सभी को पता चलने वाला है। पेमेंट्स के ऑफिशियल प्रूफ्स आ चुके हैं, माइग्रेशन कैसे करना है, वॉलेट्स को लेकर अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और इस चीज़ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। केवाईसी सॉल्यूशंस को लेकर अपडेट आ चुका है क्योंकि केवाईसी के अंदर किसी को 7-8 स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को और भी जगह पे प्रॉब्लम आ रही, तो उन सभी चीज़ों के जो सॉल्यूशंस है वो आज आपको पता लगने वाले हैं। पेपल की जो पेमेंट है इंटरनेशनल, उसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा, इतने बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन की गई है और इंटरनेशनल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पाई क्रिप्टो के अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे फायरसाइड फोरम की तरफ से आ चुका है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है fireside.pynet.com करके। फायरसाइड फोरम आर द क्लोजेस्ट सोशल मीडिया टू वेब थ्री। यहाँ पे आप सभी को वेब थ्री के बारे में जानने को मिलेगा। एक तरीके से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से आप सभी कॉन्टेंट सर्च करते हो या आपको कोई चीज़ पोस्ट करनी होती है, जैसे ट्विटर पर आप पोस्ट करते हो, सेम तरीके से आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेयर पीपल यूज द पाई क्रिप्टोकरेंसी टू रिवॉर्ड देयर फेवरेट पोस्ट एंड फ्री स्पीच कॉन्टेंट। तो यहाँ पे आप सभी को इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कॉन्टेंट्स भी देखने को मिलेंगे और आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे पेमेंट्स के रिगार्डिंग आ चुका है, माइग्रेशन के रिगार्डिंग आ चुका है। देयर इज अ पायनियर्स हु कॉल दिस माइग्रेशन, दिस इज नॉट योर सेकेंड माइग्रेशन, दिस इज जस्ट द एंड ऑफ योर लॉकअप ईपोस्ट एंड यू नाउ एबल टू मूव योर बैलेंस टू अवेलेबल। अभी आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों ने अपने पाई कॉइन्स को माइन किया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी KYC भी वेरीफाई कर ली है और उसके साथ उनको सभी को माइग्रेट करना है अपने सारे पाई कॉइन्स को अपने वॉलेट के अंदर, तभी आपको प्रॉपर उसकी एक सिक्योरिटी भी रहेगी और प्राइवेसी भी रहेगी, फिर जाके ओपन मैनेज के बाद आपको रियल उसका वैल्यूएशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों संग हो रहा है। अभी के टाइम में माइग्रेशन में थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है, बट धीरे धीरे करके इस चीज़ की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है और डेली बेसिस पे जो वॉलेट क्रिएशंस हैं उसके भी जो नंबर्स की हम बात करें वो बढ़ते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो किस तरीके से आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कैफेज़ वगैरह स्टार्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो, टी स्टॉल करके है, कॉफ़ी स्टॉल करके है। प्लीज़ पोस्ट अ वीडियो ऑन P2P पाई ट्रांजेक्शन इन योर रिलीजन कंट्री। तो अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई ऐसे शॉप्स ओपन है पाई नेटवर्क की, तो आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हो और वहाँ के जो भी फैसिलिटीज़ है आप सभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरीके से यहाँ पे शेयर किया जा रहा है और ट्रांजैक्शंस वगैरह भी शेयर की जा रही है P2P के थ्रू, पीयर टू पीयर, जिसके अंदर बायर टू सेलर डायरेक्ट जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पर बताया जा रहा है व्हेन You encounter Pi app text message that cannot be verified, it is the better to try the method mentioned by mode in this picture. तो यहाँ पे क्या है, जब आप एनकाउंटर करते हो पाई एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट मैसेजेस के लिए, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस सिचुएशन में आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। Also, phone number is not getting verified despite of sending messages to the number. अगर आपके फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है KYC के लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो फ़ोन नंबर आप अपने वेरीफाई कर लो, ईमेल आईडी वेरीफाई होनी चाहिए और आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी वेरीफाई होना चाहिए और सभी के अंदर जो नेम होने चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट नेम होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका भी नेम आपका सेम होना चाहिए जो पाई अकाउंट में नेम बना है, और बाकी सब जो अकाउंट्स हैं वो सब आपको देख के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ट्राई वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर मैन्युअली। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, क्लिक ऑन मेन्यू द थ्री लाइंस बाय द टॉप लेफ्ट ऑफ होम पेज। तो ये सारी चीज़ें आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगी, टॉप साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई के बाद मैन्युअली इंस्ट्रक्शंस पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है सेंड द 4-digit code टू द इंटरनेशनल नंबर दैट यू विल फाइंड देयर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि 4 digits का जो कोड है आपको सेंड करना है इंटरनेशनल
नंबर पे, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप चेंज कर सकते हो, चेंज द रिसिप्टेंट फ्रॉम यूएसए टू इसराइल, ठीक है, यूएसए से इसराइल आप इसको चेंज कर सकते हो, इफ़ यूएसए इज़ नॉट गोइंग थ्रू फॉर यू, अगर यूएसए आपके लिए नहीं हो पा रहा तो उस सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैसेजेस की बात कर रहे हैं, मेक श्योर यू सेंड इट विद द फ़ोन नंबर यू रजिस्टर ऑन पाई। तो आप सभी अपने फ़ोन नंबर से, जो आपका फ़ोन नंबर है उससे आप उसको सेंड करके देखना, ठीक है, मतलब पाई पे, मतलब सेंड करके देखना। ऑल्सो हैव सम एयर टाइम बैलेंस फॉर सेंडिंग इंटरनेशनल SMS। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ एयर टाइम बैलेंसेस भी देखने को मिलेंगे जब आप इसको इंटरनेशनल SMS वगैरह करोगे, ठीक है। देन रश बैक एंड क्लिक ऑन आई हैव सेंड द टेक्स्ट। तो आप सभी को पीछे आना है, वहाँ पे देखना है आई हैव सेंड टू दिस टेक्स्ट करके ऐसा लिखा होगा, तो उस पर आपको लास्ट में क्लिक कर देना है। ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की है, अगर आपको ऐप टेक्स्ट मैसेजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जिन चीज़ों को इसकी नीड है, तो आप इस वाले स्टेप्स को फॉलो करके इस चीज़ को सॉल्यूशंस ले सकते हो। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जो कि पेपल की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सभी को ट्रांजैक्शन दिखाना चाहूँगा, 16,000 के आसपास यहाँ पे अवेलेबल अभी बैलेंस लिखा गया है, और उसके साथ यहाँ पे हम बात करें पेमेंट्स की, तो $2,000 के आसपास यहाँ पे पेमेंट्स को लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, पेड बाय टेस्ट स्टोर करके है, और यहाँ पे पाई करके है, कॉन्शियस करके आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पाई के थ्रू इसकी मतलब ट्रांजैक्शंस की गई है। बताया जा रहा है, I have seen many vloggers post this but I have doubt about the content of these two pictures. तो जस्टिन ली बेसिकली मेंबर है पाई नेटवर्क के साथ ही मिलकर काम करते हैं, और इन्होंने बोला है जो दो फोटोज़ अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो चुकी हैं, वायरल हो चुकी हैं, इसके पीछे की बेसिकली क्या रियलिटी है, क्या ये सही है कि नहीं, तो इसी चीज़ को लेके इनको डाउट है। और इन्होंने अपना ओपिनियन देते बोला है, पाई नेटवर्क इज स्टिल अ क्लोज मैनेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकिंग टू एक्सटर्नल पेमेंट लिंक इज जीरो। तो अभी के टाइम में आप सबको भी पता है कि पाई नेटवर्क अभी एनक्लोज्ड मैनेंट है, कोई भी ऐसे फेज में नहीं है कि ऑफिशियल कोई भी बड़ी पेमेंट्स वगैरह कर सकता है। जो भी पेमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी वो इंटरनली पाई नेटवर्क के पाईचेन मॉल पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेंगी, जो ऑफिशियली पाई नेटवर्क की है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी मतलब पेमेंट्स नहीं की गई। देयरफॉर आई कंक्लूड दैट दिस न्यूज इज फॉल्स बिकॉज देयर इज नो इनफ एविडेंस एंड लॉजिक to prove that the content in this picture is true। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फोटोज़ पोस्ट की गई है, जो ये न्यूज़ दी गई है, इसके अंदर कोई भी लॉजिकल एविडेंस नहीं है जिसके थ्रू इसको हम बोला जाए कि ये सही है। तो बेसिकली ये सही नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली सम पीपल्स टेक इट फॉर रियल। और अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रियल ले रहे हैं कि हाँ, एक तरीके से पेपल के थ्रू इसकी पेमेंट्स की गई है। दिस इज़ वाई देर आर लॉट ऑफ फेक न्यूज़ ऑन पाई नेटवर्क। द मोर इम्पॉर्टेंस पॉइंट इज दैट डिस्पाइट पाइको टीम रिपीटेड रिमाइंडर्स इन द पाई कम्युनिटी, देर आर स्टिल मैनी पाइनियर्स हु हैव बीन फूल्ड। तो अभी के टाइम में ऐसी जो भी न्यूज़ होने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको तो बता ही दूंगा, बट आपको भी अपने हिसाब से चेक करना है कि कहीं पर भी आपको पेमेंट्स वगैरह देखने को मिले, या कोई भी आपको फ़ोन करके बोले या मैसेज करे, DM करे, तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना कि हम आपकी KYC वेरीफाई करके देंगे, या हम आपको इतने पाई कॉइन के बदले इतना अच्छे खासे डॉलर्स देंगे। तो ये बिल्कुल फेक है। और बात की जाए इस वाले पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल ये फेक है। इसी वजह से आप सब सोचते हो कि ये रियल होता है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई DM करता है तो आप अपने पासवर्ड्स वगैरह भी शेयर कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट पाई स्टोर करके है, और जो प्रॉपर पेमेंट हुई है पाई कॉन्शियस करके हुई है, मतलब पाई नाम यूज़ हो चुका है, तो हमें लग रहा है कि इसी के थ्रू हुई होगी, तो ये रियल होगी। बट ये कोई रियल का एविडेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टोर बना सकता है पाई के नेम से, और कोई भी मतलब इसकी पेमेंट करके दिखा सकता है, अगर उसको बहुत बड़ा फ्रॉड करना है तो। और यहाँ बताया जा रहा है, व्हाट वी शुड पे मोर अटेंशन टू इज दैट ओनली बाय कंटीन्यूअस लर्निंग एंड progress can we improve in this industry until the development of the encryption industry for the more than 10 years. This is the area where ordinary peoples have changed the most. If you want to change, you can only learn more and learn more new knowledge. If you think the content in this picture is real, you are welcome to point out the correct reason and sources in the comments. तो यहाँ पर सबसे चीज़ ज़रूरी ये है कि बताया जा रहा है कि 10 साल बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज़ को हो चुके हैं, तो आप सभी को और भी वेराइटी ऑफ नॉलेज लेनी पड़ेगी, किस तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि क्या फ्रॉड है क्या रियल है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें एडवांस हो रही है, तो उस हिसाब से उसके डिसएडवांटेजेस भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये रियल फुटेज है, तो आप सभी यहाँ पर कॉमेंट वगैरह कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या रीज़न है कि ये रियल फुटेज है। बट ऐसी कोई
कोई भी फुटेज पे आपको ऐसे यकीन नहीं करना, पहले आपको समझना है फिर जाके इन सभी चीज़ों पे बात करनी है। अब हम बात करने वाले हैं KYC के बारे में, जो आप सभी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 7th-8th स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है, हाउ लॉन्ग वी हैव स्टे एट स्टेप 5 to 6। तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि हम कब तक 5वें-6वें स्टेप पर ही रहेंगे, हमारा 7वां-8वां स्टेप आ ही नहीं रहा, जो कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव टोकन है और उसके साथ माइग्रेट टू मैनेज है। तो इसकी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बाई KYC कैरी आउट एवरी डे। यहाँ पे बताया जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर KYC एप्लीकेशन हैज़ बिन वैलिडेटेड, यू कैन नाउ बिकम अ KYC वैलिडेटर योर सेल्फ थ्रू द KYC ऐप इन दी पाई ब्राउजर। तो आप सभी के पाई ब्राउजर के अंदर KYC का प्रॉपर अपडेट आ चुका है, तो मोस्टली लोगों को ये अपडेट आ चुका होगा। तो अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है कि जितने भी लोग हो जिनकी अभी अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले सही तरीके से सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। नेम हो गया, फेसबुक, ईमेल, ID, सारा कुछ आपको वेरीफाई करके अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर मतलब कि फॉर्म को भरना है कैपिटल में, और उसके साथ आपको अपनी कंट्री सही से सिलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ें कर दोगे तो यहाँ तक आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे अब बात आती है 7th-8th स्टेप की। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वेट फॉर KYC रिजल्ट्स के बाद आप थोड़ा रुक जा रहे हो, क्योंकि आपने मोटा मोटी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिया है, बट आगे से रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा और ना आप माइग्रेट वगैरह कर पा रहे हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लीज़ कंप्लीट ऑल प्रीवियस स्टेप बिफोर कंप्लीटिंग दिस मैनेज माइग्रेशन। तो यहाँ पे आप सभी के लिए अभी क्या चीज है कि जो पाइको टीम है वही आपको इस पर रिस्पॉन्स कर सकती है। तो अभी आप हाल फिलहाल के अंदर पाइको टीम को आप जीमेल कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। उसके थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर मैंने भी आपको अपडेट किया था और ऑफिशियल पाई नेटवर्क का आया था कि हम ऑटोमेशन को ऑन कर रहे हैं, जिसके अंदर AI के थ्रू हम KYC को वेरीफाई करेंगे, जो कि रोबोट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर हमें जल्दी से रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। मानता हूँ चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, बट ये कोर टीम ही ऐसा कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो काम है न्यूज़ देना, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है तो मे बी जल्दी से जल्दी इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। आप ईमेल कर सकते हो एक बार, उसके बाद आप नहीं कर सकते, और एक ही बार दो बार ईमेल करना, ऐसा नहीं कि आप बार बार ईमेल करते जा रहे हो, इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट स्पैम में काउंट हो जाता है। तो ये सब हरकतें मत करना। अगर आपके पास KYC का नोटिफिकेशन नहीं आया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके KYC का एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना है, ठीक है, वहाँ पर बताना है कि हम मेरे को KYC का नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर जाके आपके पास KYC का नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर जाके आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये नहीं कि आप बार बार फॉर्म को फिल कर रहे हो, बार बार फिल करोगे तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक ही बार फिल करना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।